अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज बनाना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही डिलीशियस स्टार्टर रेसिपी, यानी कि चिकन मलाई कांडी। तो आइए इसकी रेसिपी देखते हैं। 300 ग्राम्स के करीब बोनलेस चिकन लिया है मैंने यहाँ पर। इसे मैंने अच्छी तरीके से धोकर छन्नी की मदद से इसका सारा पानी निकाल लिया है। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें पिसी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। 7 से 8 हरी मिर्च का दरदरा सा पेस्ट रेडी करेंगे और उसे चिकन में ऐड कर लेंगे। जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से हरी मिर्च ऐड कीजिएगा। 1/4 टीस्पून के करीब काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच जीरा पाउडर जाएगा इसमें। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 चम्मच मैदा। मलाई कांडी को और क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अब इसमें जाएगा अमूल फ्रेश क्रीम। दो बड़े टेबलस्पून भर के अमूल फ्रेश क्रीम यहाँ पर मैंने ऐड किया है। अब इसमें जाएगा 2 बड़े चम्मच भर के दही। फ्रेंड्स, हमें एक बात का ध्यान रखना है कि दही में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। अब इन सारी चीजों को हम बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसे कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। 2 घंटे बाद हम इसे स्क्यूवर्स में भरेंगे। वुडन स्क्यूवर्स मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हम सारे स्क्यूवर्स रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे चिकन के सारे स्क्यूवर्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। एक नॉनस्टिक फ्राई पैन में 2 से 3 टेबलस्पून भर के ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसमें स्क्यूवर्स को रखेंगे और बिल्कुल ही लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा चिकन काफी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। सारे चिकन के स्क्यूवर्स फ्राई होकर बिल्कुल यहाँ पर रेडी है। अब हम इसकी एक क्रीम रेडी कर लेंगे। एक नॉनस्टिक बर्तन में सबसे पहले यहाँ पर हम 1 टेबलस्पून भर के बटर ऐड करेंगे। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा हम इसमें अमूल फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे।
अमूल फ्रेश क्रीम की क्वांटिटी आपके ऊपर है, आप अगर चाहे तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी इसे ऐड कर सकते हैं। क्रीम को हम बटर के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे कम से कम 15 से 20 सेकेंड तक बिल्कुल ही हाई फ्लेम पर पका लेंगे। इस क्रीम के मिक्सचर को अब हम चिकन के स्क्यूवर्स पर ऐड करेंगे। क्रीम और बटर का मिक्स ऐड करने से हमारा चिकन बहुत ही जूसी लगेगा। आप लोग भी इस डिलीशियस सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। मलाई कांडी को और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। मलाई कांडी के टेस्ट को और बढ़ाने के लिए हम इसके ऊपर नींबू का रस ऐड करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये रही आज की हमारी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सी स्टार्टर रेसिपी। चिकन मलाई कांडी की ये रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।